ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल जो है अमावस्या है। अमावस की रात काले जादू के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इस रात किया गया कोई भी अनुष्ठान फलित होता है। जादू के प्रकार होते हैं, एक होता है काला जादू और एक होता है सफेद जादू। तो काले जादू में या ब्लैक मैजिक में हम अपनी कोई भी इच्छा पूरी करा सकते हैं और इसमें हम अपना स्वार्थ देखते हैं। हम किसी भी धर्म शास्त्र को नहीं मानते और अपना जो भी मनोरथ है उसको फलित करने के लिए इनका प्रयोग में लाते हैं। जो काला जादू है वो मनाही की गई है इसकी हमारे शास्त्रों में, लेकिन फिर भी ये इतना सटीक होता है कि आज भी इसका वजूद है। एक बार किसी पर काला जादू कर दिया जाए तो वो हटता नहीं है, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। और उसी के विपरीत होता है सफ़ेद जादू, वाइट मैजिक। इसमें हम सारे शांतिकरण के कार्य करते हैं और जो धर्म में हमारे धर्म में जो बताए गए हैं उनके अनुसार हम चलते हैं। इसी के विपरीत जो है ब्लैक मैजिक होता है, जिसमें कि आप अपने स्वार्थ के लिए अपना कोई भी मनोरथ पूरा कर सकते हैं। अब जो ब्लैक मैजिक है इसमें आपको रिजल्ट्स के लिए रुकना नहीं पड़ता। ये इतने प्रभावी होते हैं कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे केस आए हैं जो कि पहले ही दिन से जिनको अपना असर दिखना शुरू हो गया। ब्लैक मैजिक में कोई भी त्रुटि हो जाए, किसी भी तरह की अड़चन आ जाए तो भी ये टूटते नहीं है। ब्लैक मैजिक को करने का सबसे सर्वोत्तम जो उपाय है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे आप अपने किसी भी साथी को, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना बैठा हो, चाहे कितना ही नाराज क्यों ना हो, उसको भी अपने पास बुला सकते हैं। और ये बहुत ही सरल विधि है, इसको कोई भी कर सकता है। इसमें कोई वार नक्षत्र नहीं देखना होता और आप इसको कहीं पर भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने घर से कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी है आपके रसोई में जो मिल जाएंगी। सबसे पहले तो नमक लीजिए। आप जो नमक खाते हैं वही नमक होना चाहिए। अपने घर से नमक लीजिए, थोड़ी सी मिर्च लीजिए, लाल मिर्च, और राई लीजिए। राई आप दुकान से भी ले सकते हैं, इसकी कोई वो बड़ी बात नहीं है। आप दुकान में जाइए और राई के दाने लीजिएगा। जो राई होती है बड़े वाली राई उसको लीजिए। इन तीनों चीज़ों का मिश्रण बनाइए। इनको मिक्स करना है, इनको कूटना नहीं है। मिक्स करके आपको इसे एक जार में डाल लेना है। किसी एक बोतल में डाल लीजिए, किसी एक बर्तन में डाल लीजिए और इसके साथ आपको अपने जो भी साथी है उसकी फ़ोटो इसमें डाल देनी है। अमावस की पूरी रात इसको अपनी छत पे रखिए या फिर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर कि इस चीज़ के ऊपर छत ना हो, खुले आसमान में इसको रखना है। आप अमावस की पूरी रात इसको ऐसे ही रखे रहने दीजिए। हफ्ते तक ये जो जार है ये अंधेरे में रहना चाहिए, किसी ऐसी जगह जहाँ पर कि सूरज की रोशनी ना पहुँचती हो। आप इसको किसी ज़मीन में भी गाड़ सकते हैं। गाड़ने के बाद जब एक हफ्ता हो जाए और एक हफ्ते के भीतर भी आपका प्रेमी आपसे मिलने ना आए तो आपको क्या करना है, ये जो जार है ये या तो किसी पेड़ पर टांग दीजिए जहाँ पर ये हिले, या इसको बहती हुई नदी में बहा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप इसको किसी पेड़ पर टांग कर आते हैं या फिर कहीं नदी में बहा कर आते हैं तो जितना दूर ये जाएगा नदी में बहते हुए, उतना ही आपका जो ये ब्लैक मैजिक है वो स्ट्रांग होता जाएगा और आपके साथी में वो खलिश पैदा होनी शुरू हो जाएगी जो उसको आपकी तरफ आकर्षित करेगी। और अगर आप इसे टांगते हैं तो जैसे जैसे ये हिलेगा वैसे वैसे आपका जो साथी है वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। उसमें एक ऐसा खिंचाव बन जाएगा जो कि वो खुद भी समझ नहीं पाएगी कि उसके साथ हो क्या रहा है, और ना चाहते हुए भी वो आपके पास आ जाएगा। ऐसे ऐसे तंत्र मैंने किए हैं जो कि समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप इन्हें देखें तो पाएंगे कि इनमें कोई ऐसी विचित्र शक्ति है जो कि ये सारा काम करती है। और आज तक मैं भी नहीं समझ पाया कि ये काम होते कैसे हैं, लेकिन जिस जिसने ये ब्लैक मैजिक किए हैं,
ये काम होते जरूर हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक में सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि ये बैकफायर भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको रक्षा कवच पहले बनाना होता है, अपना रक्षा घेरा बनाकर ही ये काम करें। अगर उसके बिना कोई अभी अभी सीख रहा है ब्लैक मैजिक और वो करेगा तो इसमें थोड़ी सी अड़चन आ सकती है, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक है वो बैकफायर करता है। तो सबसे पहले रक्षा घेरा बनाकर उसके बाद ही आप ये प्रयोग शुरू करें, और इस छोटे से प्रयोग के बाद एक हफ्ते के भीतर भीतर जो भी आपका साथी है, जो भी आपका प्रेमी है, वो आपके पीछे मारा मारा डूलेगा। ये मैंने लाखों लोगों पर आजमाने के बाद आपको दे रहा हूँ, और ये इतना प्रभावी है कि पहले दिन से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके मैक्सिमम दिन है 7। अगर 7 दिन में भी आपको असर ना दिखे तो समझिए 8वें दिन वो जो भी व्यक्ति वो आपके सामने होगा। ये जो तंत्र मैंने अभी आपको बताया ये ब्लैक मैजिक में आता है, और जो ब्लैक मैजिक की चीज़ें होती हैं बहुत ही खतरनाक होती हैं। जब आप ये किसी पे कर देते हैं तो बड़े से बड़ा तांत्रिक भी से नहीं हटा सकता। ये एक बार लगा दिया तो जिंदगी भर के लिए ये लगा रहेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो वो भी इस चीज़ को नहीं हटा पाएगा। और ये लगभग 20 साल पहले मैंने किसी को बताया था और इसके जो प्रभाव थे उसने पहले ही दिन से दिखाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद ये जो मंत्र है मैंने गुप्त रख लिया था, किसी को बताया नहीं था, लेकिन आज अमावस की काली रात में मैं देखना चाहता हूँ कि अभी भी इसका प्रभाव जो है वो बना हुआ है या फिर समय के साथ ये भी फीका हो गया है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी इसने आपके लिए काम किया। आपको 3 चीज़ें इकट्ठी करनी है, नमक, राई और आपके घर की मिर्ची। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके एक किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए और उसमें अपने साथी की फ़ोटो रख दीजिए, और उसके बाद इसको आप किसी भी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर कि छत ना हो। इसके ऊपर छत नहीं होनी चाहिए और आकाश के नीचे, इसको खुले आकाश के नीचे इसको रखना है। रखने के बाद आपको सुबह सूरज निकलने से पहले इसको उठा लेना है और इसको किसी ऐसी जगह पर दबा देना या फिर रख देना जहाँ पर कि सूरज की रोशनी ना जाती हो। इसके बाद आपको 7 दिन के बाद इसको बहते हुए पानी में बहा देना है। ये तभी आपको करना है जब सूरज की रोशनी ना हो, अंधेरे में ये सारा काम करना, चाहे तो आप सुबह कीजिए चाहे रात को कीजिए, लेकिन करना उस समय है जब सूरज की रोशनी ना हो। ऐसा करते हुए अगर आप इसको बहा देते हैं तो यकीन मानिए चाहे कितनी ही दूर आपका साथी आपका प्रेमी रहता हो वो भी आपकी तरफ खींचा चलाएगा। और अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरी वेबसाइट surfstock.com पे, वहाँ पर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप उसको देखकर कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई और दिक्कत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अनूठे रहस्यों के लिए मुझे मेल कीजिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा, ताकि आपकी जो भी समस्या हो मैं सॉल्व कर सकूँ। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे आप भेज सकते हैं info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।